भारतीय मजदूर संघ ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघ का कहना है कि मजदूरों के लिए लागू किया गया श्रम कानून हितकारी नहीं है और इसे वापस लिया जाए। वहीं भारतीय मजदूर संघ जिला मंडी के अध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो मजदूर विरोधी निर्णय लिया है, श्रम कानूनों में केंद्र सरकार ने छेड़छाड़ करते हुए बदलाव किया है जो कि सहन नहीं किया जाएगा। आज 28 अक्टूबर को पूरे भारत में भारतीय मजदूर संघ, जो केंद्र की सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो मजदूर विरोधी जो निर्णय लिए गए, जो 3-4 बिल ऐसे बनाए गए, जिन बिलों में जो मजदूरों के जो हक हैं, मजदूरों का जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें उनका हनन हुआ है। और उस विषय में पूरे भारतवर्ष में उसी के फलस्वरूप आज मंडी में भी हम विरोधाभास के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए, उसमें जैसे सिक्योरिटी कोड का था या जो उनकी मूलभूत वेतन की समस्या थी, मिनिमम वेजिज एक्ट, उसके विरुद्ध भी सरकार ने कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी कोड के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। और जिन इकाइयों में, जिन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में 300 से कम जो लोग हैं, वहाँ पे यूनियन की स्थापना नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्प्लॉयज़ हमारे, जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं या संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके ऊपर जो यूनियन ना बनाना 300 से कम लोगों का, ये उन मजदूरों का, उन इम्प्लॉयज़ के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन है। उसकी हम निंदा करते हैं और केंद्र सरकार को सुचेत करते हैं कि अगर ये आने वाले समय में कानून खत्म नहीं किए गए, काले कानून खत्म नहीं किए गए, तो इसके बारे में भारतीय मजदूर संघ पूरे भारतवर्ष में तो है ही नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ा एक उग्र आंदोलन स्थापित करेगा। वर्किंग आवर्स जो 12 घंटे का है, जैसे किया है सरकार ने कि 12 घंटे मजदूर काम करेगा। उसके बाद जो ईपीएफटी लोगों की समस्या है, जो हमारे कर्मचारी हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके ईपीएफ, जैसे हमारे 4 लेन की समस्या है, हमारे 4 लेन में हमने मीटिंग की बहना में, तो जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों का ईपीएफ एक साल से जमा नहीं हुआ है। तो हमें सरकार को चेतावनी देते हैं और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको भी चेतावनी देते हैं कि जितने भी यहाँ पे यूनिट काम कर रहे हैं, उन यूनिटों में जो मजदूर हैं, जो इम्प्लॉइज हैं, उनके ईपीएफ को काटा जाए। और इस समय में भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी में एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन शुरू करेगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज 28 अक्टूबर, जिसको भारतीय मजदूर संघ न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ चेतावनी दिवस के रूप में मनाने जा रही है, इसमें जो श्रमिकों के लिए जो कानून बने हैं, कानूनों में बदलाव, श्रमिकों के लिए कानूनों में जो केंद्र सरकार ने 29 कानून ख़त्म करके उसमें 4 कानून कोड लेके आ गई हैं, हम भारतीय मजदूर संघ उसका पुरजोर विरोध करता है और केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की इसमें निंदा करता है। ये जो हमारे 4 कानून हैं, इसमें कोड ऑन बेजिस नंबर 2 पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्प एंड वर्किंग कंडीशनल कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ये जितने भी हमारे कानून केंद्र सरकार ने बनाए हुए हैं, इसमें ये जो हमें औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947, 1936, 1961, 1936 से लेकर के 2081 के जो कानून बने हैं 2019 में, इन सबको ये इफेक्ट करते हैं कानून, जिस कारण भारतीय मजदूर संघ पूरे प्रदेश देश के अंदर आज केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन विरोध दिवस के रूप में आज मनाने जा रहा है।